So hello everyone, this is Nirvan Babar and today in this video we are going to actually start solving questions. तो अभी तक मैंने जितने भी videos इस series में permutation combination पे बनाए हैं उन सभी में मैंने आपको theories दी, मैंने उसमें आपको सारे concepts बताए, लेकिन this is the time where we actually start applying it. So sit back and watch the video till end to see how we actually apply whatever we have already studied. तो अगर दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन दैट यू आर वॉचिंग फ्रॉम दिस प्लेलिस्ट, मैंने आई बटन पे पूरी प्लेलिस्ट दे दी है. आई वुड वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गो बैक टू दैट प्लेलिस्ट, वॉच ऑल द थियोरी वीडियोज फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो, बिकॉज यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें अप्लाई कर लेंगे जो जो अभी तक हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सीखी है. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. यहाँ पर क्या बोला, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 men एंड 3 women कैन बी चोजन फ्रॉम 9 men एंड 12 women. तो क्या दिया हुआ है मुझे सवाल में, बहुत ही सिंपल सा सवाल है जहाँ पर मेरे पास टोटल 9 men है एंड 12 women है और मुझे कमिटी बनानी है एक. ठीक है, मुझे एक कमेटी बनानी है जिसमें क्या चाहिए, मुझे 5 men चाहिए एंड 3 women चाहिए. राइट, समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, फटाफट से सॉल्व करेंगे. क्या करना है, 5 men सेलेक्ट करना है. कितने में से, 9 में से. कितने तरीके से कर सकता हूँ, 9c5. राइट, उसके बाद मुझे 3 women सेलेक्ट करनी है. कितने में से, 12 में से. तो मैं कितना, किस तरीके से कर सकता हूँ सिलेक्शन, 12c3. सही है, अगर आपको कॉम्बिनेशन का वीडियो याद होगा उसमें भी ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ. नहीं पता है, नहीं देखा है तो प्लीज़ गो बैक टू दैट वीडियो. साथ ही साथ एक और वीडियो का रेफरेंस यहाँ पर मैं लूँगा जहाँ पर मैं अब आपको ये बताऊँगा कि जब आपको कमिटी में लोग सिलेक्ट करने हैं तो आपको 5 men और 3 women दोनों सिलेक्ट करने हैं. तो ये जो 9c5 और 12c3 है ये दोनों में से कोई एक नहीं करना है, मुझे दोनों करना है. एंड देयरफॉर बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन साइन. कौन सा रेफरेंस, दिस गोज बैक टू रूल ऑफ एडिशन एंड रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अगेन अगर वो वीडियो नहीं देखा है, गो बैक टू दैट वीडियो, वॉच दैट वीडियो एंड यूल अंडरस्टैंड इट. तो सीधा सीधा सवाल है, 9c5 × 12c3 हो जाएगा. 9c5 को डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था 9c5, अगेन सिंस 5 इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ 9, तो मैं 9c5 को क्या लिख सकता हूँ, 9c9 − 5 दैट इज 4 × 12c3. राइट, कैसे लिखा सर 9c5 को 9c4, सर ये रिप्लेसमेंट कैसे हुआ, इसके लिए मैंने आपको एक और टेक्निक बताई है. NSKLL मैंने आपको बताया था जहाँ पर मैंने ये बोला था कि NCR किसके बराबर होता है, NCN − R के बराबर, और उसका एडवांटेज भी मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. राइट, तो आप उस वीडियो को वापस से देख सकते हैं. यहाँ पर मैंने क्या किया, 9c5 × 12c3 जो था उसको मैंने 9c4 × 12c3 कर दिया. अब मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. 9c4 कैसे कैलकुलेट करता हूँ मैं, 9 को लिखूँगा मैं 4 बार. राइट, 9 8 7 6, नीचे क्या आ जाएगा, 4 3 2 1. राइट, और यहाँ पर 12c3 के लिए क्या करूँगा, 12 11 × 10. राइट, जो मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मैंने बोला अगर किस कोई भी ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने 12c3 को इस तरीके से कैसे लिखा, 9c4 को इस तरीके से कैसे लिखा, मैं ये सारे शॉर्टकट तरीके अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, जो मैंने एक वीडियो बनाया था NSKLL के ऊपर, उसमें मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ. तो एटलीस्ट NSKLL वाला वीडियो तो देख ही लेना, सो दैट आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए. उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं 3 × 2 × 1. राइट, कितना हो जाएगा, 4 2 6 होता है, कैंसिल कर दूँ, ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, ये 3 2 6 2 12 हो जाएगा, × 18 यहाँ पे आ जाएगा, 7 × 2 × 110. सही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27720. राइट, सिंपल सा था. मैंने क्या बोला, 9 men और 12 women में से 5 men और 3 women सेलेक्ट करने थे. 9c5 × 12c3 वेज में हो सकता है. 9c5 को सिंपल करने के लिए 9c4 कर दिया, सो दैट कैलकुलेशन ईजी हो जाए, एंड आई जस्ट कैलकुलेटेड इट एज 27720. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से. सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स 2 white balls. तो मेरे पास 2 white balls है, 3 black balls है और 4 red balls है. सही है क्या, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 balls बी ड्रॉन फ्रॉम द बैग इफ एटलीस्ट 1 black ball इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ. क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन समझ जाएगा तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा. मुझे 3 balls सेलेक्ट करने हैं, ठीक है,
इन सभी को मिला के मुझे 3 बॉल्स इन टोटल सेलेक्ट करने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल। एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम 1। नाउ एटलीस्ट और एटमोस्ट यही 2 वर्ड्स है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ईजीली कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। इस चीज़ को दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लो, सही है? एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल बोला है, मतलब या तो 1 ब्लैक बॉल रहेगी, या तो 2 ब्लैक बॉल रहेगी, या तो 3 ब्लैक बॉल रहेगी, राइट? मैक्सिमम 3 ही ब्लैक बॉल्स है, तो 3 ब्लैक बॉल से ज़्यादा हो नहीं सकती। मुझे टोटल 3 बॉल्स सिलेक्ट करनी है, तो अगर 1 ब्लैक बॉल रही तो बची हुई 2 नॉन ब्लैक बॉल्स रहेगी क्या? एन भी लिख देता हूँ, बिकॉज वो वाइट भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट? अगर 2 ब्लैक बॉल्स में सिलेक्ट कर लेता हूँ तो 1 नॉन ब्लैक बॉल रहेगी। अगर 3ों ब्लैक लिया तो फिर तो कोई नॉन ब्लैक बॉल रहेगी ही नहीं, क्योंकि मुझे टोटल 3 ही बॉल्स सेलेक्ट करनी है, राइट? दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 1 ब्लैक बॉल, टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है? 3। 3 में से 1 ब्लैक बॉल का सिलेक्शन 3C1 वेज में हो सकता है, और दूसरा 2 नॉन ब्लैक बॉल्स लेनी है। टोटल नंबर ऑफ नॉन ब्लैक बॉल्स कितना है? 2 + 4 = 6। तो मुझे 6 में से कोई 2 को सिलेक्ट करना है, जो 2 वाइट और 4 रेड थी, इन 6 में से किसी 2 नॉन ब्लैक बॉल्स को मुझे सिलेक्ट करना है। और सिंस मुझे 1 बॉल प्लस 2 बॉल का ये केस है, तो मुझे ये दोनों ही चाहिए, इसलिए बीच में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, राइट है? उसी तरीके से सेकंड केस की बात करते हैं। अगर 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करनी है तो 3 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करूँगा 3C2 वेज में। 1 नॉन ब्लैक बॉल सिलेक्ट करनी है तो 6 में से 1 नॉन ब्लैक बॉल सिलेक्ट करूँगा 6C1 वेज में। बीच में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज मुझे ब्लैक बॉल भी चाहिए और नॉन ब्लैक बॉल भी चाहिए, दोनों मिला के ही तो 3 बॉल्स होंगे। और लास्ट केस में तो 3ों के 3ों ब्लैक बॉल चाहिए, तो 3 में से 3ों के 3ों ब्लैक बॉल करने का तरीका 3C3, नॉन ब्लैक बॉल्स तो चाहिए ही नहीं, राइट? 3C1 कितना होगा? एनीथिंग C1 इज ऑलवेज सेम नंबर, राइट? मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो 3C1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इंटू 6C2। कैसे लिख सकता हूँ? 6 × 5, नीचे आ जाएगा 2 × 1, सही है? ये 2 से कैंसिल होकर 3 हो जाएगा, ये आएगा 3 × 5, 3 = 15, 15 × 3 = 45, राइट? तो फर्स्ट वाले केस के 45 वेज हो गए। सेकंड, 3C2 को अगेन मैं 3C2 को 3C1 भी लिख सकता हूँ, राइट? इसको मैं लिख सकता हूँ 3C1 × 6C1, एंड एनीथिंग C1 इज सेम नंबर, तो ये हो जाएगा 3 × 6, दैट इज 18, सही है कि नहीं है, राइट? नहीं समझ में आए, वीडियो पीछे करना, देख लेना। अगर NSKLL नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लेना, बार बार मैं ये चीज़ रिपीट करूँगा। और फिर 3C3 है, 3C3 को अगेन मैं 3C0 लिख सकता हूँ, एनीथिंग C0 इज ऑलवेज 1। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। नाउ एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना कि जब मुझे 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं तो ये 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है, 3 डिफरेंट केसेस है, या तो फर्स्ट, या तो सेकंड, या तो थर्ड, मतलब तीनों कंडीशंस एक साथ नहीं हो रही है। या तो फर्स्ट कंडीशन होगी, या तो सेकंड होगी, या तो थर्ड होगी, मतलब बीच में क्या आ जाएगा? तीनों के प्लस साइन आ जाएगा, है ना? क्योंकि आइदर और वाला सिचुएशन है, तो रूल ऑफ एडिशन अप्लाई होगा। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 45 + 18 + 1, राइट? एंड दिस बिकम्स 64। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 64, राइट है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? मेरे पास 5 बुक्स है किसकी? हिस्ट्री की। 3 बुक्स है किसकी? मैथ्स की। और 2 बुक्स है किसकी? साइंस की, राइट? इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज सच दैट बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर ऑलवेज टुगेदर? क्या बोला? बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर ऑलवेज टुगेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखना। बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर ऑलवेज टुगेदर, मतलब मेरे पास ये टोटल यहाँ पे देखो तो 5 और 3 8 और 2 10, टोटल 10 बुक्स है। 10 बुक्स को अरेंज करना है, लेकिन सारे सब्जेक्ट की बुक्स एक साथ ही होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा? सबसे आसान तरीका, ये 5 हिस्ट्री बुक्स को एक डब्बे में बंद कर दूंगा, राइट? सो दैट वो इधर उधर किसी और के साथ मिक्स ना हो जाए। उसी तरीके से 3 मैथ्स बुक्स को भी एक बॉक्स में बंद कर दूंगा, और 2 साइंस बुक्स को एक बॉक्स में बंद कर दूंगा। नाउ आई कैन अरेंज दीज 3 बॉक्सेस, राइट? आई कैन अरेंज दीज 3 बॉक्सेस, क्योंकि उसके अंदर की बुक्स तो आपस में मिक्स नहीं होगी, राइट? तो मैं ये 3ों बॉक्सेस को अरेंज कर सकता हूँ। तो 3 चीज़ों को 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल तरीके, राइट?
लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था एन चीज़ों को एन प्लेसेस पे अरेंज करने के तरीके, एन फैक्टोरियल थ्री चीज़ों को थ्री प्लेसेस पे अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, थ्री फैक्टोरियल हो गए. थ्री फैक्टोरियल कितना होता है, सिक्स होता है, राइट है क्या. बट ध्यान से देखना, यहाँ पर सिर्फ यहाँ सवाल ख़त्म नहीं होता, वो इसीलिए क्योंकि मैंने हिस्ट्री का तो एक डब्बा बना दिया, लेकिन उसके अंदर जो पांच बुक्स है, क्या वो पांच बुक्स आपस में अरेंज नहीं हो सकती. हो सकते, बिल्कुल हो सकती है. तो इस डब्बे के अंदर मैं तो सिर्फ इंटरमिक्सिंग अलाउड नहीं है ना, पर उस डब्बे के अंदर तो मैं उनका अरेंजमेंट चेंज कर सकता हूँ, राइट. तो पांच हिस्ट्री बुक्स को अंदर ही अंदर कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, अगेन फाइव फैक्टोरियल वेज, क्योंकि पांच बुक्स पांच प्लेसेस, राइट. उसी तरीके से तीन मैथ्स बुक्स अगेन थ्री फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती है, और टू साइंस बुक्स टू फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती है. फाइव फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा क्या, राइट. फाइव फोर ज़ार 20, 20 इंटू 360, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 1 120. थ्री फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और टू फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है. तो मुझे क्या करना है, मुझे हिस्ट्री बुक्स को भी अरेंज करना है, मुझे मैथ्स बुक्स को भी अरेंज करना है, मुझे साइंस को भी अरेंज करना है, और इनके जो तीनों डब्बे हैं उनको भी अरेंज करना है. तो मेरे जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 120 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 6. बात समझ में आई. और इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8640. आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना. क्या किया मैंने, जहाँ पे भी आज से ये चीज़ हमेशा याद रख लेना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी दो या तीन चीज़ों को साथ में रखना है तो आप उनको एक डब्बे में बंद कर दोगे, या तो आप उनको एक धागे से बांध दोगे या आप उनको एक डब्बे में बंद कर दोगे, एंड फिर आप उन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करोगे. साथ ही साथ उस डब्बे के अंदर और पॉसिबल अरेंजमेंट्स है क्या, वो भी आप चेक करोगे, क्योंकि आप डब्बे के अंदर उनका अरेंजमेंट चेंज कर सकते हो. गॉट इट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोला इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ऑप्टिकल सच दैट ऑल वोवेल्स कम टुगेदर. अगेन सेम चीज़ है, राइट. वर्ड क्या है मेरा, ऑप्टिकल. मुझे सवाल में क्या बोला हुआ है कि मुझे सारे वोवेल्स को साथ रखना है, तो मैं क्या करूँगा, सारे वोवेल्स को एक डब्बे में बंद कर दूंगा. इसमें कितने वोवेल्स है और कितने कॉन्सोनेंट्स है चेक कर लेते हैं. वोवेल्स आई नो सब लोगों को पता होगा, ए ई आई ओ यू, राइट. तो वोवेल कौन कौन से हैं, एक ओ है, आई है, ए है, राइट. बाकी कोई भी वोवेल नहीं, तो आई हैव थ्री वोवेल्स, राइट. आई हैव थ्री वोवेल्स एंड रिमेनिंग आर एक दो तीन चार पाँच छः सात. सात में से तीन वोवेल अगर हो गए तो चार कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे, राइट. आई वॉन्ट टू कीप थ्री वोवेल्स टुगेदर, दैट्स ऑल. बस बाकी सारे केसेस मुझे चलेंगे, तो मैं ये तीन वोवेल्स को अंदर ही अंदर एक डब्बे में बंद कर दूंगा, सही है. इन तीन वोवेल्स को मैंने साथ में एक डब्बे में बंद कर दिया, और ये चार कॉन्सोनेंट्स तो है ही. तो अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चीज़ें कितनी हो गई, चार कॉन्सोनेंट्स और एक वोवेल्स का डब्बा. तो टोटल चीज़ें कितनी होगी, पाँच. फाइव थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन फाइव फैक्टोरियल वेज, राइट. जो मैंने आपको बताया था एन थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन एन फैक्टोरियल वेज, तो फाइव थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन फाइव फैक्टोरियल वेज. साथ ही साथ मैंने आपको बोला कि जब भी कभी आप डब्बा बनाओ, डब्बे के अंदर के अरेंजमेंट्स पे भी ध्यान देना. तो डब्बे के अंदर कितने चीज़ें हैं, तीन वोवेल्स हैं. तीन वोवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन थ्री फैक्टोरियल वेज, तो ये हो जाएगा थ्री फैक्टोरियल. फाइव फैक्टोरियल कितना, 120. थ्री फैक्टोरियल कितना, सिक्स. 120 इंटू सिक्स कितना हो जाएगा, 720. सो दिस इज़ योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट, है ना. बहुत ही सिंपल. मैंने क्या किया, मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया, इसमें भी यही बताया, जहाँ कहीं आपको चीज़ों को साथ में रखना है आप उनको एक डब्बे में बंद कर दो, और फिर बाकी सारी चीज़ों को एज अ इंडिविजुअल एलिमेंट कंसिडर करो, और इस डब्बे को एक एलिमेंट कंसिडर करो. उनके टोटल नंबर ऑफ केसेस सॉल्व करो, लेकिन उस डब्बे के अंदर के अरेंजमेंट्स को भी कंसिडर करना ना भूलें. ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. अगर वो मिस कर दिया तो सारे आंसर गलत हो जाएंगे. सो आई होप आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए आपको ये सारे समझ में आए होंगे. आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस इन माई लिस्ट विच आई वुड वांट टू डिस्कस विद यू ऑल. सो आई विल कम अप विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को, एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ दिस सीरीज ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. सो स्टे ट्यून्ड. बाय दैट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, सी यू, बाय.